सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना बनाई ताकि इन सभी गरीब परिवार के लोगों को पक्का आवास मिल सके, परंतु उत्तर प्रदेश श्रावस्ती ब्लॉक गिलोला के ग्राम शाहपुर कठौतिया गांव के निवासी गोली सहित 50 गरीब परिवार के लोगों को सन 2011 के बीपीएल सूची में नाम दर्ज न होने के कारण इन्हें इंदिरा आवास के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। साहब, हमारे पास तो बहुत सी समस्या है, मजदूर आदमी है तो बहुत सी समस्या। 22 महीने में साहब हमारे पास तो ना घर है ना मकान है, ना हमारे पास कुछ है। इंदिरा आवास ना मिलने से साहब यही है कि मजदूर आदमी निवार आदमी जो कमाते हैं वो सब खाने भरे का होता है लड़के बच्चे में, तो इसलिए आगे कुछ विकास समान नहीं हो रहा है। और लड़के भी सहने सहने हैं और घर सब फूस बना हुआ है। 22 महीने में जो कहीं से कमा लाते हैं तो ये भी नहीं बचाने का जुगाड़ है कि कहाँ लकड़ी कंडा बचा ली, कहाँ साहब सीधा चावल बचा ली और कहाँ बना के खा ली। साहब, हमको इंदिरा आवास कॉलोनी मिल जाए तो हो सकता है कि हमारी समस्या दूर हो जाए। कई बार एप्लीकेशन डाले और भिनगा भी गए सब, और प्रधान के पास गए तो यही हुआ कि हाँ चलो लिख गया है, तो लिखने के बाद में भी नाम नहीं आया। आपके जैसे कितने लोग हैं जिन जो ऐसे पात्र हैं पाने वाले? साहब, इस लोग कठौतिया में तो कम से कम 50 लोग तो हैं। साहब, हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। साहब, घर की बड़ी समस्या है। घर ना होने से आपकी क्या दिक्कत है? साहब, घर ना होने से जैसे बाल बच्चों को पढ़ने की दिक्कत है, अनाज पानी रखने की दिक्कत है, पस पहिया बांधने की सारी व्यवस्थाएं कुछ हमारे पास नहीं है। रोज छाते हैं साहब, फूस घर गिर जाता है, साहब अनाज पानी हमारा सड़ जाता है, बाहर हम तिरपाल रख के रखे हैं। आपका बीपीएल सूची में नाम है? साहब नहीं है। फिर आपने कहीं प्रयास किया? साहब बहुत प्रयास किया। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन 50 गरीब मजदूर परिवार के लोगों को इंदिरा आवास मिल सके ताकि इन सभी गरीब परिवार के लोगों की समस्याएं दूर हो सके। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग गिलोला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर 94-54-46-48-56 पर कॉल करके दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।